हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बर्मिंघम के पिच रिपोर्ट के बारे में। बर्मिंघम पे जो है क्वार्टर फाइनल पहला होने वाला है ब्लास्ट का, उसके बाद से जो है बाकी तीन मैचेस जो है आपको यहाँ पे ब्लास्ट के और भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके का पिच बिहेव कर सकता है और अभी तक किस तरीके की जो है यहाँ पर बिहेव की हुआ नज़र आया है, तो उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पर टोटल अभी तक 8 मैचेज हो चुके हैं, 4 मैचेज और शेड्यूल है ब्लास्ट के, और इसके अलावा जो है बहुत सारे मैचेज होते रहते हैं। तो कैसा हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उसको हम डिटेल्स में जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस पिच की बात करते हैं तो बहुत ही पुराना पिच है, बहुत ही पुराना पिच, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको जो है 1882 का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये ग्राउंड जो है इतना पुराना है। अब इतना पुराना है कि आप समझ सकते हो कि उस समय जो है अभी आपके जैसे जो है वो दो चार जनरेशन जो है वो आ सकता था। अब बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटी की, तो 21,000 की जो है वो कैपेसिटी यहाँ पे है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा कैपेसिटी है इंग्लैंड के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन जो आपको बर्मिंघम इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, और ये जो है होम ग्राउंड जो है अगर ब्लास्ट की बात करते हैं तो वारविक शेयर के जो है आपको होम ग्राउंड देखने को मिलेगा, और इन्हीं के मैसेज जो है अधिकतर शेड्यूल आपके आपको होते हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं इस पिच के बारे में, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक हम उससे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आप उठा सको, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर कोई जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना कॉर्पोरेट सर्च करके, और ट्रेनिंग के लिए आप स्क्वाडिंग पर जुड़ सकते हो, आपको यहाँ से इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि किस तरीके का पिच जो है बिहेव करते हुए नज़र आया। तो देखो पिच का बिहेवियर ये देखने के लिए, अगर नया पिच रहता है तो एक जो होता है कि हाँ कोई भी जो है कुछ भी बता सकता है, लेकिन जिस पिच पे 7-8-10 में से जो है लगातार 2 महीने के बीच में हो जाए तो आपको पिच के बारे में जो है वो आइडिया हो जाता है काफ़ी अच्छा खासा। अगर नहीं भी हुआ है तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस पिच के बारे में, तो आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ये जो है एक बैटिंग सरफेस है। अब बैटिंग सरफेस का क्या मतलब है, बैटिंग सरफेस का मतलब है कि यहाँ पे रन जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन इस रन बनने में अच्छा है इसमें क्या अच्छा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे रन जो है वो फर्स्ट इनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सेकेंड इनिंग में रन बनता ही नहीं है, सेकेंड इनिंग में भी आप देखोगे तो 2-2 रन जो है वो चेस हुआ है यहाँ पे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे लास्ट 2 मैच की अपनी बात करते हैं तो लास्ट 2 मैच में 2 तरीके का मैचेज हुआ। एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ जहाँ पे जो है 228 रन बना, यानी कि 228 रन, और एक लो स्कोरिंग मैसेज हुआ जहाँ पे आप देखोगे तो 141 रन बना, और इसमें जो है वो वार्कविक शेयर जो है वो ऑल आउट हो गया था। अब यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट ये था कि दोनों जो है, चाहे ये हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो, ये जो है वो डिफेंड हो गया, और इस ग्राउंड पे आप देखोगे तो अधिकतर मैसेज है वो डिफेंड होते हुए आपको नजर आते हैं। और इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जैसे जैसे इस ग्राउंड पे मैसेज होता है पिचेस टूटते जाती है, और जब टूटते जाती है तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्पिनर जो है वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल होते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसा जो है, ऐसा नहीं कि हर एडिशन में ऐसा होता है, इस एडिशन में ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखोगे अभी भी तो इंग्लैंड का जो वीदर है ना गर्मी, वो पिछले कई सालों में पिछले एक सेंचुरी में ले लो, पिछले 1.5 सेंचुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। गर्म माहौल के कारण पीछे जो है वो टूट रही है, और बाकी जो है वो तो आप इधर उधर जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो है अब गर्मी के कारण लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो सिनेरियो जो है यहाँ पे पीछे पीछे जो है वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिससे पीछे जल्दी ड्राई हो रही है। और देखोगे कि इंग्लैंड में जो है वो फास्ट ट्रैक पीचेज जो है वो रिकॉर्ड है पिछले 4-5 सालों में, कि फास्ट ट्रैक पीचेज जो है ज़्यादा बना रहे हैं, कि यानी कि जो फास्ट बॉलर है थोड़ा ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे तो स्पिनर को जो है थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला यहाँ पे चल रहा है, खासकर मिस्ट्री स्पिनर हो या फिर ऑर्थोडॉक्स हो, तो उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एवरेज विकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे 13 विकेट जो है वो देखने को मिल रहा है। फास्ट बॉलर जो है इम्पैक्टफुल हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पेज में जैसे बताया कि पीछे जो है जल्दी ड्राइव होना शुरू हो जा रही है, जिसके चलते यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो स्पिनर का ज़्यादा हो रहा है। बैट्समैन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इनिंग है उसमें बैट्समैन जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तभी 2-2 रन बन रहा है। इवन सेकेंड इनिंग में भी जो है वो अच्छा खासा रन बन रहा है, 20-25 रन 50 रन से जो है वो ज़्यादा डिफरेंस जो नहीं रह रहा, लेकिन हाँ रन जो है बन रहा है। तो बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो रिसेंट में मैसेज हुए हैं, तो लास्ट 5 मैसेज हम लोग देखते हैं एक बार किस तरीके से हुआ है। तो जो लास्ट मैच था यहाँ पे 2 जुलाई को हुआ था, और 2 जुलाई में हम देखोगे तो वार्कविक शेयर जो है यहाँ पे 141 फॉल आउट हो गया था, और दूरम जो है यहाँ पे 133 रन पे जो है आपको यहाँ पे 9 विकेट से जो है वो यहाँ पे क्या किया 20 ओवर में जो है बना पाया, यानी कि चेस नहीं कर पाया। उसके पहले मैच देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 23 जून को हुआ था, जिसमें जो है वार्कविक शेयर जो है 228 रन बनाया था 4 विकेट पर, और वर्कशेस्टर शेयर जो आप देखोगे 175 रन जो है बना पाया था 9 विकेट पे। तो यहाँ पर विकेट जो आप देखोगे तो 13 विकेट के आसपास जो है फॉल हुआ, यहाँ पे देखोगे तो आपको 19 विकेट जो है फॉल हुआ। अब इससे पहले एक बात करते हैं 9 जून को जो यहाँ पर मैचेज हुआ था, उसमें देखोगे तो आपको जो है देखने मिलेगा कि वारविक शेयर जो है 137 बना पाया, और नॉटिंघम शेयर जो है यहाँ पे 100 जो है वो आपको
107 रन जो है बना पाया। आप देखोगे यहाँ पे जो मैसेज हो रहे हैं उनमें से जो है ये मैसेज जो है डिफेंड होते हुए नजर आए, ये मैसेज जो है वो चीज़ हुआ है जो कि हुआ था 7 जून को, और वार्विक साहब वहाँ पे जो है 203 रन बनाया था, और उसके वजह से डर्वी साहब जो है 207 बना के यहाँ पे जीत गया। तो डर्वी साहब से जो है ये दोनों मैसेज जो है वार्विक साहब जो है वो हार चुका है, और एक मैसेज जो है आपको नॉटिंघम साहब से जो है वो हारे थे। अब इसके बाद की बात करते हैं तो एक मैसेज जो है और देख लेते, उसमें देखोगे तो आपको जो है हुआ था 3 जून को, जहाँ पे नॉटिंघम साहब जो है आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 213 रन बनाया था, और वार्विक साहब जो है 223 रन जो है बना पाया, और वहाँ पे नॉटिंघम साहब जो है जीत गया था 11 रन से। तो ये मैच जो है आपको देखने को मिले। अब इनमें से देखोगे ना तो दोनों मैचों में जो है उन मैचों में खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि आप अधिकतर मैचों में देखो तो रन जो है आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 200 रन बना था, 200 रन बना था, अभी जो पिछला देखा उसमें 200 रन बना था, यहाँ पर देखो जिसमें लो स्कोरिंग था उसमें जो है ऑल आउट हुआ है टोटली। तो ये सिनेरियो में आपको देखने मिलेगा कि वार्विक साहब जो है वो दो तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या तो ये ऑल आउट हो जाते हैं बहुत कम रन पे, या जब रुकते हैं तो काफ़ी अच्छा रन बनाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे 200 रन जो है बनाते हैं, तो ये सिनेरियो जो आपको यहाँ पे देख लेके चलना होगा इस पीस के लिए, और यही चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अभी तक आप जो है मुझसे नहीं जुड़े और चाहते हैं कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ऐसे प्रॉफिट हासिल हो, थे जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, और ब्लास्ट TNPL इसके बाद जो मेजर लीग शुरू हो रहा है तो सब में जो है सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, विनर एंट्री जो है वो जैकपॉट सबको मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉर्पोरेट सर्च करके, और ड्रीमिंग आप स्क्वाडिंग इंडियन पे, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो आपसे वीडियो जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए